तक 11:20 में खुलेगी, बाकी रात को दिखाने को तो कुछ होगा नहीं। नगर खड़ी हो रही है राजेंद्र नगर सर, सादा है, सादा में रहेगा मटर पनीर, दाल फ्राई, आलू की भुजिया, डबल चावल लेंगे डबल चावल देंगे, पराठा चावल लेंगे पराठा चावल। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो रघुनाथपुर में ड्रिल हुई थी, देख सकते हैं इसके डिब्बे अभी भी पड़े हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ये देख सकते हैं दोस्तों, दो अंडा कड़ी, ये दाल और ये सूखी सब्जी है और ये चावल। काशी गंगा नदी निकल रही है ट्रेन, ये देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन बाबर एम कुमार। थंबनेल से आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आज की मेरी ट्रेन जर्नी होने वाली है, वो होने वाली है ट्रेन नंबर 134 मालदा टाउन भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस में। बात करें इस ट्रेन की दोस्तों, पहले ये ट्रेन दोस्तों ऑल दिल्ली तक ही चलती थी, पर हाल ही फिलहाल में इसे दोस्तों अब इनका विस्तार भटिंडा तक कर दिया गया है। तो दोस्तों अभी हफ्ते में 4 दोस्तों ये वाया अयोध्या होकर जाती है। मंगल, बुध, शुक्र और रविवार को दोस्तों ये अयोध्या होकर जाती है। तो मंगल, बुध और शुक्र और रविवार को दोस्तों ये मालदा टाउन से दोस्तों रात के 7:35 पसान करती है और तीसरे दिन सुबह 10 भटिंडा पहुंच जाती है। इस दौरान ये ट्रेन फुल डिस्टेंस कवर करती है, 1760 किलोमीटर की दूरी 38:25 में तय करती है। अभी तो एवरेज स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। और दोस्तों मालदा टाउन से भटिंडा के बीच इस ट्रेन की कुल दोस्तों 66 स्टॉप है। तो मेरी जर्नी इसी ट्रेन में होने वाली है और आज इस ट्रेन को दोस्तों रीशेड्यूल कर दिया गया है, जो कि दोस्तों 7:35 पर प्रस्थान होती थी, पर आज ये ट्रेन दोस्तों रात के 11:20 पर प्रस्थान होगी, यानी 3:45 दोस्तों रीशेड्यूल कर दी गई है। तो आज ये 3:45 की देरी से यहाँ से खुलने वाली है। तो फिलहाल मैं देख सकते हो मैं मालदा स्टेशन के बाहर हूँ। तो चलिए आप वीडियो पर बने रहिए, आपसे मिलते हैं दोस्तों 11:00 जब ट्रेन को लगाई जाएगी। चलिए तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ 1 प्लेटफॉर्म पर, फाइनली ट्रेन लगाई जा रही है 1 पर। 10:50 हो रहे हैं, अभी ट्रेन 1 प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है, मालदा भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस। तो देख सकते हैं दोस्तों ट्रेन लगाई जा रही है मालदा टाउन भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस 1 पे, और आज की जो मेरी कोच है दोस्तों वो S1 में है। वेव 7 लोकोमोटिव के साथ चलती है फरक्का एक्सप्रेस, हावड़ा का वेव 7 लोकोमोटिव। देख सकते हैं ये हमारी कोच S1, ये देख सकते हैं S1। तो चलिए हमारी आज कोच S1 वहाँ है, चलो तो दोस्तों आ चुके हम लोग अपने कोच में S1। देख सकते हैं कोच की साफ सफाई करके लाई गई है, ठीक ठाक है, बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। तो हम आ चुके अपने कोच में और आज हम है ग्रुप में, देख सकते हैं ये सारे हमारे ग्रुप के हैं। और आज की मेरी सीट अपर बर्थ है, ये मिडिल है, इधर अपर है और ये मिडिल है, ये सारे लोग हमारे ग्रुप के हैं। एक बार बोल रहा है हाँ, मिरर, बाकी वॉशरूम की कंडीशन देख सकते हैं साफ सुथरा करके लाई गई है। तो वॉशरूम अभी साफ सुथरा करके लगाई गई है, ठीक ठाक है, बाकी देखना है कि ट्रेन अपने डिस्टिनेशन तक साफ साफ रहती है या नहीं। तो फिलहाल तो अभी बाथरूम सब ठीक ठाक है, नहीं तो 11:20 में खुलेगी, तो बाकी रात को दिखाने को तो कुछ होगा नहीं दोस्तों। चलिए आप वीडियो पे बने रहिए, जैसे ट्रेन डिपार्चर होगी फिर आपको डिपार्चर दिखाएंगे, फिर चलेंगे सोने और आपसे मिलेंगे सुबह। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है 11:20 में मालदा टाउन से, देख सकते हैं डिपार्चर हो चुकी है। बाकी बाहर दिखाने को कुछ है ही नहीं, तो अभी मैं चलूँगा सोने के लिए दोस्तों और आपसे मिलेंगे सुबह जहाँ नींद खुल जाए। दोस्तों ट्रेन अब मालदा से खुल चुकी है और जैसा मैंने कहा रात का समय, चलिए अब अपने बेड पे चलते हैं अपने सीट पे। और दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने बेड पे, मैंने अपना बेड लगा लिया, देख सकते हैं अपर बर्थ में। तो चलिए अब मैं चलता हूँ सोने और आपसे मिलते हैं सुबह। तो आप वीडियो पे बने रहिए, चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।
खिलाड़े समोसे। दोस्तों ट्रेन अब मुकाम पहुंचने वाली है और ट्रेन लगभग 4 घंटे 15 मिनट डिले चल रही है। मोकामा जंक्शन स्टेशन कोड MKA और यहाँ कुल 4 प्लेटफॉर्म है। इस सेंट्रल रेलवे जोन डिवीजन दानापुर और यहाँ ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। चलिए इनके बाद आने वाली है दोस्तों बख्तियारपुर कवर करूँगा क्योंकि ट्रेन अभी 4 घंटे से ऊपर डिले हो गई है क्योंकि मालदा टाउन से ही ट्रेन खुली थी 3 घंटे 45 मिनट डिले, तो फिलहाल ट्रेन अभी 4 घंटे से ऊपर डिले हो गई है। देखते हैं ट्रेन और डिले होती है या फिर रास्ते में आगे जाकर कवर भी करती है। चलिए आप बने रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टॉप। अब मिलेंगे दोस्तों बख्तियारपुर में, बाकी बीच में और एक स्टॉप है मैं उसे स्किप करूँगा और आपसे मिलते हैं बख्तियारपुर में। चलिए आप वीडियो पे बने रहिए। अभी हल्की हल्की ठंड लग रही है क्योंकि कोहरा है, अभी हल्का फुल्का धूप पूरी तरह से निकली नहीं है। दोस्तों ट्रेन पहुंच रही है बख्तियारपुर और ट्रेन 4.5 घंटा डिले हो चुकी है। दोस्तों प्लेटफॉर्म उस तरफ है, पहुंच चुकी है ट्रेन बख्तियारपुर। ट्रेन आकर खड़ी हो रही है राजेंद्र नगर सहरसा, बख्तियारपुर से इधर खड़ी हो रही है राजेंद्र नगर सहरसा इंटरसिटी एक्सप्रेस। और चलिए हमारी ट्रेन पे खड़ी हो चुकी है बख्तियारपुर पर, चलिए प्लेटफॉर्म उस तरफ है। तो दोस्तों ट्रेन खड़ी हो चुकी है बख्तियारपुर पे, स्टेशन कोड BKP। यहाँ कुल 5 प्लेटफॉर्म है इस सेंट्रल रेलवे जोन डिवीजन दानापुर और यहाँ भी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है। और दोस्तों ट्रेन यहाँ भी 4.5 घंटे डिले आई है, तो मतलब ट्रेन अब ऐसे ही डिले ही चलने वाली है। चलिए देखते हैं ट्रेन ऐसे ही और डिले होगी या फिर कवर भी करेगी। तो फिलहाल ट्रेन बख्तियारपुर पे खड़ी है, 4.5 घंटा डिले है। और वैसे दोस्तों ट्रेन में उतनी भीड़ नहीं है जितनी की होती है, आमतौर पर स्लीपर में वेटिंग वाले भर जाते हैं। पर दोस्तों मिलते हैं अब आपसे डायरेक्ट दोस्तों पटना जंक्शन में। इसके बाद दोस्तों और भी 3-4 स्टॉप है, तो मैं उसे स्किप करूंगा और आपसे मिलेंगे पटना जंक्शन में। कौन सा लगाना है किधर? ये इधर इधर वाला ये बड़ा वाला जो चैन है ना, खोलिए उसको खोलिए, हाँ वही वाला चैन लगाना है। अब पहुंच रही है पटना जंक्शन, 5 घंटे से ऊपर डिले हो चुकी है ट्रेन, जबकि मालदा से खुली थी 3 घंटे 45 मिनट और अभी रास्ते में थी 4.5 घंटे और अभी ट्रेन पहुंच रही है पटना जंक्शन, लगभग 5 घंटे से ऊपर हो चुकी है। ट्रेन पहुंच चुकी है पटना जंक्शन, स्टेशन उस तरफ है। पटना से निकल रही है न्यू दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस। चार से 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है पटना जंक्शन, स्टेशन कोड PNBE। स्टेशन को ओपन किया गया था 1862 में और इलेक्ट्रिफाई किया गया था 2003 से 2004 के बीच। यहां कुल 10 प्लेटफॉर्म है इस सेंट्रल रेलवे जोन डिवीजन दानापुर और यहां ट्रेन का दोस्तों 10 मिनट का स्टॉप। और दोस्तों ट्रेन यहां लगभग 5.5 घंटे 15 मिनट डिले आई है, तो मतलब ट्रेन और डिले हो चुकी है। तो 5 घंटे 15 मिनट डिले दोस्तों पटना जंक्शन पहुंची है। चलिए आप बने रहिए वीडियो में। ट्रेन डिपार्चर हुई है पटना से, पटना जंक्शन से, पर काफ़ी भीड़ हो गई है अभी ट्रेन में। यहाँ तक तो खाली आ रही थी पर यहाँ थोड़ी भीड़ हो गई है अभी जंक्शन में।
और ये यहाँ खड़ी है दोस्तों मालदा पटना, पटना मालदा एक्सप्रेस। इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी बनाया है, लिंक नीचे है, आप देख सकते हैं। पटना जंक्शन में लिया मैंने आलू पराठा, जो कि दो आलू पराठा गरम गरम है, 70 रुपये की है ये आलू पराठा। मैंने स्टेशन पे लिया गया 70 रुपये का आलू पराठा। सर सादा है, सादा में रहेगा मटर पनीर, दाल फ्राई, आलू भुजिया, डबल चावल लेंगे डबल चावल देंगे, पराठा चावल लेंगे पराठा चावल, नॉन वेज में अंडा है, मछली है, चिकन है। अंडा वगैरह सादा 130 का है, अंडा 140 का है, डबल अंडा रहेगा, फ्राई अंडा देंगे। डबल अंडा कितना? 140 डबल अंडा रहेगा। तीन वही कर रहा हूँ। बिल मिलेगा ना वो? हाँ ठीक है, दीजिएगा। तीन टू अंडा कर देंगे। अभी खाना वाले ऑर्डर लेने आए थे तो खाना भी ऑर्डर हो गया, तीन अंडा चावल सादा 130 और अंडा 140 है, तो अंडा ही ऑर्डर किया गया है, 140 का अंडा। चलिए देखते हैं खाना कब तक आता है। ट्रेन पहुंच रही है दोस्तों, आ रहा, 5.5 घंटा डिले ही है ट्रेन। आ रहा जंक्शन, और मैं नीचे जाऊंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि 2 मिनट का स्टॉप है आ रहा में, बाकी काफ़ी गेट पर भीड़ है, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा नहीं। फिलहाल ट्रेन पहुंच चुकी है आ रहा। तो दोस्तों ट्रेन खड़ी हो चुकी है आरा पे, पर दोस्तों 5.5 घंटा डिले, यहाँ जैसा मैंने कहा 2 मिनट का स्टॉप है, मैं नीचे जाऊँगा नहीं, पर यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही है, लोग हैं काफ़ी सारे, चढ़ने वाले लोकल लोग जो कि 1-2 स्टेशन जा रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं आरा में भी चढ़ने के लिए। तो ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है आरा से, और इसके बाद और बीच में कुछ स्टॉप है छोटे छोटे, उनके बाद है बक्सर जहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। देख सकते हैं दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के डिब्बे अभी भी पड़े हुए हैं, जो कि दोस्तों ड्रिल हुई थी यहाँ रघुनाथपुर के पास, तो अभी भी उनके डिब्बे देख सकते हैं दोस्तों बिखरे पड़े हैं यहाँ खेतों में, जो कि दोस्तों आनंद विहार से कामाख्या और कामाख्या से आनंद विहार के बीच चलती है ये नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो ड्रिल हो गई थी। दोस्तों ट्रेन अब पहुँच रही है बक्सर, पर जैसा कि ट्रेन के साफ सफाई वाले चलते हैं, पर फिलहाल तो साफ सफाई वाली कहीं नज़र नहीं आ रही ट्रेन। तो ट्रेन पहुंच चुकी है बक्सर, यहाँ दोस्तों 5 मिनट का स्टॉप है, और ट्रेन 5.5 घंटा जैसे मैंने कहा दी है, प्लेटफॉर्म उस तरफ है, और तो फिलहाल ट्रेन खड़ी हो रही है बक्सर पे 5 घंटे 35 मिनट डिले। मैं आपसे मिलूँगा अब डायरेक्ट अब दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय में, जो कि दोस्तों अब आने वाली है, लगभग 1:30 बजे तक आएगी, 2 बजे तक मैं आपसे मिलूँगा दीनदयाल उपाध्याय में। फिलहाल ट्रेन खड़ी है दोस्तों बक्सर पे 5 घंटा 35 मिनट डिले। तो चलिए ट्रेन दोस्तों बक्सर से डिपार्चर हो चुकी है। ट्रेन पहुंच रही है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि दोस्तों अब ट्रेन बक्सर के पास से दोस्तों ट्रेन अभी तक थोड़ी सी कवर कर चुकी है, ट्रेन 5.5 घंटा से ऊपर डिले हो गई थी, और अब दोस्तों ट्रेन 4 घंटा 25 मिनट डिले चल रही है। दोस्तों ट्रेन पहुंच चुकी है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, स्टेशन कोड DDU
इसे सिंह ओपन किया गया था 1862 में और इलेक्ट्रीफाई किया गया था 1961 से 1963 के बीच। यहाँ को लाट प्लेटफॉर्म है। इस सेंट्रल रेलवे जोन और डिवीजन दीनदयाल उपाध्याय। और दोस्तों ट्रेन यहाँ पे लगभग 4 घंटे 25 मिनट डिले आई है, क्योंकि जैसा मैंने कहा दोस्तों रास्ते में ट्रेन 5.5 घंटे तक डिले हुई थी, पर अब दोस्तों ट्रेन यहाँ दीनदयाल उपाध्याय पे 4.5 घंटे डिले आई, यानी 4 घंटा 25 मिनट डिले यहाँ पहुँची है। तो चलिए ट्रेन लगभग 1 घंटे कवर करी है, अगर ट्रेन इसी तरह फिर ठीक ठाक चली तो और 1-2 घंटे कवर कर सकती है। तो दोस्तों ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से डिपार्चर हो चुकी है, और दोस्तों जैसा मैंने कहा मैंने लंच ऑर्डर किया था तो हमारी लंच भी आ चुकी है। तो चलिए अब जैसे ट्रेन यहाँ से डिपार्चर हो रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, चलिए अब आपको दिखाते हैं दोस्तों लंच में क्या क्या है, टेस्ट कैसा, वो सारी चीज़ आप बताते हैं आप वीडियो पे दोस्तों, बने रहिए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, दो अंडा कड़ी, ये दाल और ये सूखी सब्जी है और ये चावल। तो ये है दोस्तों जैसा मैंने बताया दोस्तों 140 रुपये प्लेट की पड़ी है दोस्तों अंडा कड़ी। चलिए अब खाते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं कि 140 रुपये के हिसाब से ये ठीक ठाक है या नहीं। चलिए खाते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं, आप बने रहिए वीडियो पे। अरे भाई बहुत विटामिन है, खा ले जाओ। खाया हुआ घर में खाया भाई, तो इसमें के जितने खाएगा उतने फायदा करेगा। दोस्तों लंच हो चुकी है, और लंच की बात करें तो दोस्तों जो ग्रेवी थी और जो दाल थी एकदम गाढ़ी थी, ग्रेवी भी मिला जुला के ठीक ठाक थी और दाल भी ठीक ठाक थी और टेस्ट भी दोस्तों मैं कहूँगा ठीक ही ठाक थी। दोस्तों ट्रेन अब निकलने वाली है काशी गंगा नदी, इनके बाद काशी और दोस्तों बनारस आएगी। वैसे काशी में इनका स्टॉप नहीं है लेकिन डायरेक्ट वाराणसी रुकने वाली है। देख सकते हैं ट्रेन निकल रही है काशी गंगा नदी। तो ये काशी गंगा नदी है, ठीक इस गंगा नदी के उस पार दोस्तों काशी रेलवे स्टेशन है। कई सारी ट्रेनों का वहाँ काशी पर स्टॉप है, पर दोस्तों फरक्का एक्सप्रेस और भी कई सारी ट्रेन है जो काशी पे नहीं रुकती है। तो फरक्का एक्सप्रेस का भी दोस्तों काशी में स्टॉप नहीं है, अब ये रुकने वाली है दीनदयाल उपाध्याय के बाद डायरेक्ट वाराणसी जंक्शन। तो ये देख सकते हैं निकल रही है ट्रेन दोस्तों धीरे धीरे काशी गंगा ब्रिज। ट्रेन पहुंच रही है वाराणसी जंक्शन। देख सकते हैं कितनी भीड़ है वाराणसी जंक्शन पे, काफ़ी सारे लोग बोर्ड होने वाले हैं, अभी काफ़ी भीड़ होने वाली है ट्रेन में। देख सकते हैं कितने सारे लोग खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों देखा आपने अभी मेरा कैमरा छीनने की कोशिश की दोस्तों, इसीलिए अगर आप खिड़की के पास बैठते हैं और वीडियो वगैरह करते हैं, अगर बैठते हैं तो मोबाइल और कैमरे का ध्यान रखें। 632 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रेन पहुंच चुकी है वाराणसी जंक्शन। स्टेशन कोड BSB। स्टेशन को ओपन किया गया था 1872 में और इलेक्ट्रीफाई किया गया था 2010 में। यहाँ कुल 11 प्लेटफॉर्म है। नॉर्थन रेलवे जोन डिवीजन वाराणसी, और यहाँ ट्रेन का दोस्तों 10 मिनट का स्टॉप है। पर दोस्तों ट्रेन अब लगभग में कवर कर चुकी है, लगभग 4 घंटा 20 मिनट डिले यहाँ पहुँची है वाराणसी जंक्शन। अब देखते हैं दोस्तों कि ट्रेन और डिले होती है या फिर और भी कवर करेगी। फिलहाल दोस्तों चलिए यहाँ से खुलने के बाद दोस्तों अब मैं आपसे मिलूँगा दोस्तों अयोध्या धाम में, क्योंकि दोस्तों मेरी जर्नी अयोध्या धाम तक ही होने वाली है। बाकी दोस्तों आप मेरे दूसरे चैनल का अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरा दूसरा चैनल ब्लॉग सैम कुमार को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि दोस्तों अयोध्या धाम में कहाँ कहाँ मैं भी विजिट करूँगा, कहाँ कहाँ घूमूंगा, वो सारी ब्लॉग सम कुमार पे आने वाली है, तो आप उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मेरी जर्नी दोस्तों अयोध्या धाम तक होने वाली है। यहाँ के बाद दोस्तों मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि थोड़ी नींद आ रही है। बाकी आपसे मिलेंगे तो आपसे डायरेक्ट अयोध्या धाम में। तो चलिए आप बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही तो दोस्तों ट्रेन वाराणसी जंक्शन से डिपार्चर हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ क्योंकि रात में जैसे मैंने कहा ट्रेन काफ़ी लेट खुली थी 11:30 बजे और सोते सोते 12 से 1-2 बज गए थे। फिर सुबह 5-6 बजे उठना पड़ा था जिस वजह से नींद पूरी नहीं हुई। तो चलिए अब थोड़ा रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं डायरेक्ट अयोध्या धाम में। दोस्तों और कुछ दिन में ट्रेन अयोध्या पहुंचने वाली है, करते चलिए आप बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों फाइनली ट्रेन पहुंच रही है अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि दोस्तों लगभग 8 से 9 घंटा डिले यहां पहुंच रही है अयोध्या धाम जंक्शन। चलिए दोस्तों बाकी ट्रेन आउटर वे भी काफ़ी देर शायद खड़ी थी, आधे से घंटा मिला जुला के टोटल 8 से 9 घंटा डिले हो गई यहाँ अयोध्या धाम पहुँचते पहुँचते फलका एक्सप्रेस की। तो चलिए दोस्तों ट्रेन फाइनली अयोध्या धाम जंक्शन पहुँच चुकी है और जैसा मैंने कहा मेरी जर्नी अयोध्या तक ही थी। बाकी दोस्तों अयोध्या वाली जितनी ब्लॉग होगी वो आपको ब्लॉग सेम कुमार पे आएगी, तो आप ब्लॉग सेम कुमार को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। बाकी चलिए ये जर्नी आपको कैसे लगे, अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।